तो आज आए हैं पूर्णिया, आप लोग को तो दिखेवे किए हैं, हॉस्पिटल आए थे जांच करवाने के लिए, क्योंकि आज इतना मतलब तबीयत खराब हो गया 12 बजे रात में ना सुबह। दोस्तों फाइनली अब पूर्णिया के डॉक्टर ने आरती को बता ही दिया कि अब आरती को ऑपरेशन ही करना होगा। जी हाँ दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं आप सबको सब कुछ बताऊंगा कि आरती को किस लिए पूर्णिया के डॉक्टर ने बोला है कि आरती को ऑपरेशन अब करना ही होगा। तो बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आरती को क्या सब डॉक्टर ने बोला है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो आरती अभी माँ बनने वाली है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोग को तो पता होगा ही आरती का तबीयत अभी 2-3 दिन से खराब चल रहा था, लेकिन इसी बीच मन्नू ने देखा कि आरती का तबीयत ज़्यादा खराब हो रहा है, तब उसको नज़दीकी अस्पताल पूर्णिया में ले गया और वहाँ पे सही से ट्रीटमेंट कराया गया। जब डॉक्टर ने इसे अच्छे तरीके से चेकअप किया तब डॉक्टर ने साफ कर दिया कि आरती को अब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि आरती के पेट में पल रहे बच्चे को कुछ गड़बड़ी हो गई है। और इसके लिए डॉक्टर ने साफ कर दिया है कि आरती के पेट में पल रहे बच्चे को तभी ही बचाया जा सकता है जब आरती का ऑपरेशन करना होगा, और ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद ही आरती के पेट में पल रहे बच्चे को बचाया जा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब ये बात डॉक्टर ने आरती और मन्नू को कहा तब दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर गए और आरती रोने भी लगी। तो दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हो, आरती के साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या फिर गलत, आप लोग हमें कमेंट करके सीधा सीधा बता सकते हैं। तो यही था हमारे आज के वीडियो में, वीडियो आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।